अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है लेसन नंबर 5। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था और आपको मालूम है कि हम पिछले सबक को पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का सबक स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे मालूम करेंगे, आप जवाब देंगे, फिर आज का सबक शुरू करेंगे। बानिया हयात, आप बताएंगे जी, पढ़कर बताइए आपके स्क्रीन पर जो है। जी वो जी बहुत अच्छा। जी जी बहुत अच्छा, फिर से बोलिए। हा नहीं, लास्ट में फिर से हा नहीं है, सिर्फ हा, सौद हा बा हा, नॉट हा, नॉट हा, ऐसे वाला नहीं, सौद हा बा जी, आगे वाला। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अस्का, आप बताएंगे अब। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी बहुत अच्छा। जी फिर से ये वाला हम पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी 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 जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा। अरिबा खान, आप बताएंगे। एक मिनट। जी काबा, फिर से बताइए। काबा का नहीं, ये काफ है पूरा, काफ, फा भी है लास्ट में, काफ। काबा जी काफ बा काफ़बा जी काफ़ता जी जी काफ़ अलिफ अलिफ को लंबा नहीं करेंगे, अलिफ। काफ़ अलिफ बहुत अच्छा जी। लाम बा फिर से बोलिए। बा लाम बा जी ये वाला और ये बताइए। तासीन तासीन जी कैसे, नेक्स्ट वाला फिर से पढ़िएगा। तासीन जी सा की आवाज थोड़ा सही से निकाले, सा सी तासीन जी। बहुत अच्छा, जजाकल्ला। मोहम्मद रशान, आप बताएंगे। जीम सा मोटा नहीं होता है, मोटी आवाज से नहीं बोलेंगे इसको, सीधा बोल, जीम हल्के से बोलना है, सा जीम जीम
जी बहुत अच्छा, आगे। जी ता भी बारीक ही होता है, इसको भी मोटी आवाज से नहीं बोलना है, सिंपल बोलिए ता। जी बोलिए, फिर से बोलिए। जी नेक्स्ट, नून। जी इसमें बताइए, लाइन के ऊपर नून है या लाइन के नीचे नून है? लाइन के ऊपर। जी ठीक है, ये बताइए। स्वाद है बा, कैसे बोलिए? स्वाद है, स्वाद नहीं, स्वाद, स्वाद हा, स्वाद है, सीधा बोलिए, सा सा, सीधा बोलिए, स्वाद, सीधा स्वाद, स्वाद, स्वाद नहीं, स्वाद, स्वाद हा, स्वाद है बा। और साथ की आवाज आपकी साफ नहीं आती है, इसको साफ कीजिए, सा सा ऐसे सा, सा की आवाज आनी चाहिए, सौद हा बा, सौद हा बा। जी जज़ाकअल्लाह, और इसकी मश्क कीजिएगा अच्छे से। जी नबा आप पढ़िए। खाबा। जी जीम ता। जी ता हा ता। बहुत अच्छा, बा अलिफ। जी ता अलिफ। जी सा अलिफ। जी नून अलिफ। जी या अलिफ। जी बहुत अच्छा, चलिए अब्दुल्ला आप बताएंगे। लाम अलिफ। जी जीम अलिफ। जी लाम अलिफ। जी लाम कौन सा है इसमें, ये या ये? पीछे वाला, ये वाला। जी जी हाँ। मीम अलिफ। जी लंबा कीजिए, मीम अलिफ। मीम अलिफ। जी लाम अलिफ। जी बा अलिफ। जी लाम बा। जी बा को थोड़ा साफ बोलिए और होठो को अच्छी तरीके से मिलाकर, बा बा बा। बहुत अच्छा, ऐसे लाम जीम। अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। चलिए अब हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं, लेसन नंबर 5। सबसे पहले इसमें ता हा और हा का ग्रुप है, तो ये ता इनके साथ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये हा के जैसा ही दिखता है और उसके ऊपर नुक्ते लगने से वो ता बना हुआ है, इसलिए इनके साथ इस ग्रुप में शामिल हुआ है। ता, सब लोग रिपीट करेंगे, किसी का भी हमें नहीं दिख रहा है कि वो रिपीट कर रहा है, सब लोग साथ रिपीट करना है तभी तो आपको समझ आएगा, याद होगा। ता हा हा बा ता बा ता
या देखिए यहां पर नुक्ते लगे हैं इसी वाली शक्ल पर तो ये ता है और यहां पर नुक्ते नहीं लगे हैं तो ये हा है, तो हा के ऊपर नुक्ता लगने से ता बन जाता है। या हा ता हा, आपने ये वाली शक्ल ता किश जो हमारा ता का ग्रुप था और उसमें शक्लें बताई गई थी उसमें ये वाली शक्ल भी थी ता में, तो नुक्ते लगे हुए थे तो ता था और इसमें नुक्ते हटे हुए हैं तो हा है। ता हा या, लाइन से पहले पहले या है या और ये बाद में हा, ऊपर हम बना के दिखा रहे हैं आपको हा, ये हा है। या हा बा, तो ये वाली शक्ल हम पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं हा की, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है आपको। या हा बा बा हा, ये वाली शक्ल भी पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, ऊपर हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं ऐसे डबल। या हा अलिफ, सॉरी बा बा हा अलिफ, बा यही वाली शक्ल जो इधर पे थी, बा हा मीम, बा हा मीम, नेक्स्ट ग्रुप दाल दाल रो जा, ये सब एक ग्रुप में है और हम आपको बता चुके हैं पीछे भी दाल दाल रो जा आगे वाले हर्फ से जुड़कर चिपक कर नहीं बनते हैं। दाल दाल रो जा आगे वाले हर्फ से जुड़कर चिपक कर नहीं बनते हैं, सट कर नहीं बनते हैं। ये दाल के बाद कोई हर्फ होगा तो उसके बाद स्पेस होगा फिर वो हर्फ लिखा जाएगा, जाल के बाद भी ऐसे ही, रा के बाद भी और जा के बाद भी। जीम दाल, जीम दाल, खो दाल, मुंह खोलकर बोलना है, खा को आवाज मोटी करनी है, खो दाल, जीम, ये जहां पर हमने कट लगाया है यहां से पहले जी में, पहले ऊपर हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं, जीम ये इतना जीम और आगे रॉ, जीम रॉ ये इसके बाद रॉ है, जीम रो खो जा खो जा, या लाइन से पहले या रो रिपीट करना है सबको साथ में, ता जा मीम मीम दाल मीम दाल, काफ काफ दाल
देखिए दाल के ऊपर ही नुक्ता लगाने से राल बन गया है, काफ राल, फा रो, फा रो, रो को भी आवाज मोटा करके बोलना है, मीम जा, मीम जा। देखिए इसमें एक चीज हम पहले आपको बता दिया है और फिर हम आपको बता देते हैं ताकि अच्छी तरीके से याद रहे, अच्छे से जहन नशी हो जाए आपका। देखिए रा और जा दोनों, ये रा के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये जा हो जाएगा और जा के ऊपर से नुक्ता लगा देंगे तो रा हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये रा की ये वाली शक्ल जा बनकर यहां पर आई है, देखिए जा, यहां पर हमने पढ़ा था ता जा, तो ये रा के ऊपर ही नुक्ता लगा है, देखिए यहां पे हमने लगाकर भी दिखा दिया है आपको ता जा। इसी तरीके से देखिए जो जा की शक्ल है ये यहां पर रा बनकर आई है, या रो नुक्ता लगा देंगे तो या जा, यहां पर देखिए फा रो। तो इसमें हम जैसे पहले बता चुके हैं कि रा के ऊपर अगर नुक्ता लगाएंगे तो जा हो जाएगा और जा के ऊपर से नुक्ता हटाएंगे तो रा हो जाएगा। तो ये दोनों शक्ल रा की भी है और दोनों ही शक्ल जा की भी है। नेक्स्ट वाली स्लाइड देख लेते हैं, सीन, शीन, सौद, इसमें वाव की आवाज नहीं आएगी, सौद, जौद, तो, जो, जो, सीन, लाम, शीन, लाम। इसको ध्यान से देख लीजिए, बाज बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि शीन है कि सा है, सा में एक बार ही मुड़ता है ऊपर को, ऐसे एक बार मुड़ता है, तीन नुक्ते होते हैं, और शीन में दो बार मुड़ता है शीन। तो इसको ध्यान रखें, सी, शीन और सा दोनों अलग अलग हैं, इसमें दो बार है तो ये शीन है, शीन, लाम, सौद, बा, तो, बा, जौद, अलिफ, सीन, रो, शीन, कौफ, जौद, इतना जौद है, देखिए जौद, आगे या, जौद, या, जो, जो, अलिफ। आगे वाला देखिए, आइन, गैन, हमजा। देखिए हमजा को आइन और गैन के साथ दिया हुआ है, क्यों? इसलिए कि आइन के जैसा ही हमजा बनता है, इसकी जो ऊपर की शक्ल है वो आइन से मिलती जुलती है, बिल्कुल आइन जैसी ही है, कहीं पर आपको दिखेगा कि बिल्कुल आइन के जैसा बना है, तो इसलिए इसमें आपको दिया है साथ में, ताकि इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई उलझन हो, परेशानी हो समझने में, तो इसमें क्लियर हो जाए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ जाना है। आइन, गैन, हमजा, रिपीट करें साथ में, आइन, गैन, हमजा। ये देखिए आइन, ये इतना आइन है, अगर हम इसको कट करके लिखेंगे, देखिए यहां पर हमने ऊपर बना दिया है,
तो ये बिल्कुल हमजा के जैसा दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमजा के जैसा दिख रहा है, अभी हमने कट करके लिखा है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं और फिर ध्यान से सुन लीजिए कि आइन मिलकर बनता है आगे से, अगर इतना बनेगा, अगर आइन आधा बनेगा तो वो आगे वाले हर्फ से जुड़ा होगा, और अगर आगे वाले हर्फ से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो हमजा होगा, क्योंकि हमजा आगे वाले हर्फ से जुड़कर नहीं बनता, स्पेस उसके बीच में होता है। तो ये आइन है क्योंकि ये आगे से जुड़ा हुआ है। आइन जा, आइन जा, गईन रॉ, आइन पर नुक्ता लगा है तो गईन हो गया, गईन रॉ, सौद आइन, सौद आइन, जौद, इतना जौद, गईन। ये देखिए यहां पर और यहां पर देखिए आप, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां पर सौद के ऊपर नुक्ता लगा है तो जौद बना है, और यहां पर आइन पर नुक्ता बना है, लगा है तो गईन बना है, इस तरीके से। ये इतना जौद है इसमें, ऊपर हमने बनाकर दिखा दिया है ताकि अच्छे से वाजे हो जाए, जौद गईन, ये गईन है। बा आईन दाल, आईन को हम ऊपर बनाकर दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से वाजे हो जाए, ये आईन है बीच में, और उससे पहले बा था और आगे दाल है। बा आईन दाल, ता गईन दाल, ता गईन दाल, बिल्कुल यही वाला शेप है, देख लीजिए आप, यहां नीचे एक नुक्ता लगा है तो बा है, और यहां ऊपर दो नुक्ते लगे हैं तो ता है, यहां पर नुक्ता नहीं है तो आईन है, यहाँ पर नुक्ता लगा है तो गईन है, और यहाँ पर हम अगर नुक्ता लगा देंगे तो इज़ाल हो जाएगा, ता गईन ज़ाल, हमज़ा। अब देखिए हमज़ा को समझ लेते हैं अच्छे से, आप ध्यान से सुनिए। हमज़ा हमने बताया पीछे भी कि इसके साथ कोई हर्फ जुड़ता नहीं है, ये बिल्कुल अलग बनता है, स्पेस होता है अगर इसके बाद कोई हर्फ बनाना होता है तो, हमज़ा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये समझ लीजिए कि हमजा अगर किसी हर्फ के ऊपर या नीचे बनेगा तो उस हर्फ को नहीं पढ़ेंगे, हमजा ही को सिर्फ पढ़ेंगे। यहां देखिए अलिफ के ऊपर हमजा बना है तो सिर्फ बोलेंगे हमजा, और यहां पर हम अलिफ के नीचे बनाकर दिखा देते हैं आपको, नीचे वाला इसमें नहीं दिया है तो हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, तो ये भी सिर्फ हमजा ही पढ़ेंगे, हमजा, 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 जी बहुत अच्छा। आगे वाला देख लेते हैं, ये हमारा ई ग्रुप है, इसमें फा काफ और वाउ और मीम दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं फा कौ, जी फा ऊपर से गोल होता है, नुक्ता होता है, इसी तरह कौफ भी ऊपर से गोल होता है, ऊपर दो नुक्ते होते हैं, फा कौफ, वाउ, मीम, जी आगे देख लीजिए कौफ, ऊपर हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ये देखिए कौफ, ऊपर दो नुक्ते हैं, और अगर ऊपर से गोल ना हो और दो नुक्ते हो
देखिए इसी तरीके से बना है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से गोल है तो काफ है, और यहाँ पे ऊपर से गोल नहीं है तो ये ता है। तो ऊपर से गोल होगा काफ होगा, ऊपर से गोल नहीं होगा तो ता होगा। काफ, वाव, फा, वाव, फा, कॉफ, लाम, कॉफ, फा, लाम, या, फा, या, फा, हा, इतना हा है। हमने कट लगा दिया है, ऊपर भी बनाकर हम आपको दिखा दे रहे हैं। हा, ये हा है, हा, और आगे मी, हामीम, काफ, कट हमने लगा दिया है, काफ मीम। ध्यान दीजिए इसमें आगे लास्ट में फा भी है, काफ बोलना है, काफ मीम, लाम, लाम मीम। लाम में भी हम बता चुके हैं कि आगे से अगर जुड़ा होगा तो लाम होगा, और आगे से जुड़ा हुआ नहीं है इसी को हम अगर ऐसे लिख दें और आगे बीच में स्पेस दें तो ये अलिफ होगा, लाम नहीं होगा, क्योंकि लाम आगे से जुड़कर बनता है अगर आधा बना है तो, और अगर अलिफ है तो बीच में स्पेस होता है उसके बाद दूसरा हर्फ बनता है। लाम मीम, ता मीम, ता मीम, ता, ता मीम, ता। जी बहुत अच्छा, जज़ाकअल्लाह।